हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो कैट वर्कशॉप चैनल। आज मैं आपके लिए यहाँ पे एक नई ट्यूटोरियल सीरीज लाया हूँ, जो कि है आपका एक कंप्लीट लेआउट डिजाइनिंग। यानी कि इस सीरीज में आपको एक 25 फिट x 50 फिट के प्लॉट की कंप्लीट डिजाइन करके मैं दिखाऊंगा। इस डिजाइन में आपका 2D पार्ट प्लस 3D एलिवेशन प्लस यहाँ पे रेंडरिंग एंड वॉक थ्रू का पार्ट कवरअप किया जाएगा। जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपके ऑटोकैड 2D, रेविट आर्किटेक्चर एंड लूमियन। ऑटोकैड 2D में यहाँ पे कंप्लीट ड्राफ्टिंग करूंगा, रेविट आर्किटेक्चर में 3D मॉडलिंग एंड मटेरियल्स वगैरह अप्लाई करेंगे, एंड लूमियन में हम यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करा के इसकी रेंडरिंग एंड वॉक थ्रूज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जो कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो इसको मैंने सब डिविजन्स यानी सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि है आपके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या बताऊंगा मैं आपको पूरा कंप्लीट ऑटोकैड के बारे में। तो यानी कि इस पार्ट 1 के भी सब पार्ट्स होंगे, यानी कि पार्ट 1.1, पार्ट 1.2 एंड इसी तरह बाकी भी सारे पार्ट्स के डिविजन यहाँ पे होंगे। सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद पार्ट 1.1 एंड द टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियोस आर एज फॉलोज। आपका जो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हम यूनिट्स कैसे सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के बाद हमें यहाँ पे वॉल्स कैसे क्रिएट करनी है। वॉल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे स्टेयर्स कैसे क्रिएट करेंगे। स्टेयर्स क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पे डोर कैसे बनाएंगे, एंड डोर के लिए बाद हमारा यहाँ पे विंडोज। अब जो भी फाइल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप उस लेआउट को फिर से दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए आराम से बना सको। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें कैट वर्कशॉप चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो सबसे पहले यहाँ पे UN एंटर करेंगे और यहाँ पे जो अपनी लेंथ है हम इंजीनियरिंग प्रिसीजन 0.00 और इंसर्शन स्केल हम कर देंगे इंचेस में। फिर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लॉट के आउटर डायमेंशन है उसके लिए। तो यहाँ पे हमने लेंथ दे दी 25 फिट्स और यहाँ पे हम विड्थ देंगे 50 फिट। इस तरह से यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे लेयर क्रिएट करनी है, क्योंकि हम लेयर्स पे काम करेंगे। तो LA एंटर करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू लेयर पे वॉल पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे मैंने कलर लिया ब्लू और इसका हम फिर लाइन वेट कर देंगे 0.30 और इसको हम कर देंगे ओके। फिर हम इसको लेयर में कर देंगे क्लोज। अब जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था इसको मैं लेयर में ट्रांसफर कर दूंगा और मैं यहाँ पे फिर लेयर को एक्टिवेट कर लूंगा, जो कि मेरी वॉल लेयर। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे इसको हम 4.5 इंच का, जो कि हमारी आउटर वॉल है। तो यहाँ पे फिर जो अंदर वॉल है ये पूरी पूरी लाइन ज्वाइंट होगी, तो इसको हम एक्सप्लोर कर देंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे अगेन, हम यहाँ पीछे बैकयार्ड क्रिएट करेंगे। तो बैकयार्ड हमारा 5 फिट का है, तो 5 फिट का मैंने यहाँ से इस तरह से ऑफसेट कर दिया। फिर हम जो बैक के पीछे हम रूम क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे 17 फिट इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। हाइट यानी कि जो आपकी डेप्थ है, ठीक, यानी कि विड्थ 17 फिट हमने कर दिया। फिर हम यहाँ पे ऑफसेट ले लिया यहाँ पे 10 फिट का, सॉरी 11 फिट का, और यहाँ पे इस तरह से हमने 11 फिट का इस तरह से ऑफसेट कर दिया। फिर हम यहाँ पे जो वॉल लेंगे हम 4.5 इंचेस की, और इस तरह से मैंने 4.5 इंच का फिर से ऑफसेट करके इसको बना दिया। जो हमारा पार्ट यूज़ का नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे एक वॉशरूम क्रिएट करना है, तो वॉशरूम के लिए मैंने यहाँ पे 4 फिट का फिर से ऑफसेट लिया और इस तरह से मैंने 4 फिट का यहाँ पे ऑफसेट कर दिया। फिर यहाँ पे 4.5 इंच और 4.5 इंच को अगेन इसको मैंने कर दिया ऑफसेट। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी वॉल्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम आउट कर देंगे। सेम इसी तरह हम 4.5 इंच का ऑफसेट कर करके जो भी हमें यहाँ पे आपके रूम्स क्रिएट करने होंगे वो चीज़ हम यहाँ पे जल्दी जल्दी इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी जल्दी से फिनिश आउट कर लेते हैं। तो इसको आप देखते भी रहिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक पर्सनली उसके थ्रू क्लास भी प्रोवाइड करूँगा।
मैंने इस तरह से वॉल क्रिएट कर ली थी। वॉल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टेयर्स की नई लेयर क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो स्टेयर का लाइन वेट हम लेके चलेंगे, हम लेंगे 0.20 या फिर 0.18 हम इसको लेके चलते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेयर की हमारी विड्थ है हम 3 फिट 6 इंच लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ऑफसेट कर दिया इसको। फिर यहाँ पे जो लाइन आपकी ऑफसेट है, जो एक्स्ट्रा लाइन है, उसको हम ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो अंदर की लाइन है, इसको मैं यहाँ पे स्टेयर्स लेयर में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो राइजर ट्रेड है वो हम क्या क्या रखेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी 10 इंचेस लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टेप्स इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका स्टेयर्स है, इस स्टेयर्स को यहाँ पे पूरा पूरा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इशू आ रहा है कि आपकी जो आपकी बीच की लेंथ है, यानी कि जो ट्रेड है बीच वाला, वो कम बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 इंच की जगह हम इसको कर देंगे 9 इंचेस का। तो यली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं ऑफसेट कर देता हूँ उसको 9 9 इंचेस का। तो अभी ये ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रिम आउट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ एडजस्टमेंट और भी मुझे करने पड़ेंगे। तो उसको हम कैसे करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हम ये यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से आप कमांड्स को यूज़ करोगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो टोटल आ रही है आपकी है 17। तो ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टेप्स बढ़ाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेप और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि जो आपकी लेंथ है तो ये काफ़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका यूनिट पहले चेंज करिए, डी एंटर करके मॉडिफाई में ऑल्टरनेट या प्राइमरी यूनिट पे जाके इसको हम कर देंगे इंजीनियरिंग, और यहाँ पे इसको ओके। तो यहाँ पे 2 फिट 6 इंच, लेकिन जो रूम का दरवाज़ा होता है एटलीस्ट 3 फिट का होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने 10 इंच दिया है, 10 इंच की जगह इसको मैं कर दूंगा 9 इंच, यानी कि जो ट्रेड का साइज है वो 10 इंच है। इसको हम कम्प्लीटली कर देंगे यहाँ पे 9 इंच। तो हमारे पास यहाँ पे जो लैंडिंग का मैंने बना रखा था वो भी सेम हो जाएगा, और ये वाली भी स्टेयर का स्टेप्स यहाँ पे सेम हो जाएंगे आपके। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका 3 फिट 9 इंचेस है, जो कि ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंचेस आपका है, तो 9 इंचेस की हम यहाँ पे एक स्टेप और क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, तो अभी यहाँ पे जो मैं टोटल स्टेप्स लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 21, बट अभी भी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मुझे डोर अगर प्लेस करना होगा तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम पूरा पूरा स्ट्रेच करके देखते हैं। तो एस एंटर किया, एस एंटर करने के बाद पहले हम ट्रिम कर देते हैं इसको। तो एस एंटर किया हमने, एस एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको लाइन के अराउंड स्ट्रेच कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाएगी, यानी कि 3.5 फिट के पास डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ जो रूम का जो आपका साइज है, ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना है। तो अभी हम चेक करते हैं उसको, बाकी हम स्टेयर्स को भी यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो 5 फिट 3 इंच आ रही है। तो हमें 3.5 फिट चाहिए, तो हम यहाँ पे अपने जो रूम का साइज है 10 फिट 7.5 इंच, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेच कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेच करके कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देते हैं 1 फिट 3 इंच। यहाँ पे 4 फिट आपका बचा, और यहाँ पे आपका रूम का एरिया 11 फिट 10.5 आ रहा है, तो हम 10.5 इंच को भी टोटल इसको 12 फिट कर देते हैं। तो इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ कुछ 1.5 इंचेस का। तो यहाँ पे देखो, अब आपका रूम का साइज़ है कम्प्लीट 12 फिट हो गया। मैं पे यहाँ जो डोर का साइज़ है 3 फिट 10 इंच, यानी कि 3 फिट 6 इंच का यहाँ पे दरवाज़ा आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर्स में काउंट कर ले रहा हूँ, तो ये आपकी टोटल यहाँ पे इस तरह से स्टेप्स आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका डोर का साइज है, यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये सब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से ट्रिम कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे डोर्स एंड विंडो को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रिमिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर हम यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, जो कि है आपकी डोर, और यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं समथिंग लाइक ब्राउन।
फिर यहाँ पे जो इसका लाइन वेट हम यहाँ पे 0.15 लेके चलते हैं, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉल वाले लेयर से ही फिर हम यहाँ पे एक जो ब्लॉक था उन ब्लॉक को पहले इंसर्ट करा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक्स है तो डोर के, और इसको मैंने यहाँ पे सर से इंसर्ट करा लिया। इसको हम कर देंगे एक्सप्लोर ब्लॉक को, और फिर यहाँ जो भी डोर है हम इसको डोर वाले लेयर में क्या कर देंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी साइज जो आपका हैचेज है यहाँ को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए अभी नहीं रखता हूँ हैचेज को, तो इस तरह से मैं डिलीट कर दिया। फिर जो जो डोर की हमें रिक्वायरमेंट है उस डोर को हम अपने यहाँ पे प्लान पे सेट कर लेंगे। तो प्लान को सेट करने से पहले यहाँ पे हम जो आपकी ओपनिंग होगी वो हम यहाँ पे वॉल से ओपनिंग क्रिएट कर लेंगे। तो ऑफसेट हमने यहाँ पे दिया 3 फिट चेंज, इस तरह से यहाँ पे ऑफसेट करके फिर हम बीच का पार्ट क्या कर देंगे ट्रिम, फिर यहाँ पे हम लास्ट में डोर इंसर्ट करा देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे पूरी पूरी वॉल्स में जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डोर का कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जो विंडो का है वो विंडो का भी मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे बाद में भी विंडो इसी तरह प्लेस कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे वो भी हम भी देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे। एम आई एंटर से मिरर और यस, और इसको हम क्या कर देंगे कॉपी सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो गलती से शायद मैंने यहाँ पे 3 फिट का डोर ले लिया है, यहाँ पे बल्कि मुझे लगाना था 3 फिट 6 इंच का डोर। तो अभी हम क्या करते हैं इसको जल्दी एडजस्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वही है। तो हाँ, ये आपका 3 फिट का दरवाज़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको जल्दी से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम अगेन 3 फिट 6 इंच का यहाँ पे डोर ले लेते हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने भी इसको 3 फिट का इंसर्ट कराया था वैसे सेम हम क्या करेंगे 3 फिट 6 इंच का कराएंगे। तो मैंने जो नीचे प्लेस कर दिया था गलती से उसको मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। तो मूव कमांड लिया और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सेम यही चीज़ मुझे दूसरी तरफ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एम आई एंटर करके इस तरफ भी इसको मिरर करा देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे जो वाला डोर है इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अगेन मूव कमांड और मूव इसी एक कॉर्नर से पिक करो, दूसरे कॉर्नर पर इसको प्लेस कर दो। ठीक, यही डोर आपका ऊपर भी रहेगा। तो अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, एम आई एंटर से मैं मिरर करूँगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इरेज़ सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो यहाँ पे आपका एक फ्रेम रह गया, तो फ्रेम को हम कर लेंगे कॉपी कुछ इस तरह से, हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो हमारा ऊपर भी इस तरह से एक डोर क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नीचे डोर है उस डोर को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, यानी कि 3 फिट 6 इंच का जो डोर है, तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया अगेन, और जहाँ जहाँ पे आपका प्लेस करना है तो उस तरह से मैं आपको जल्दी जल्दी इसको प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 फिट 6 इंच का डोर प्लेस कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे वॉशरूम के लिए डोर इंसर्ट करना है जो कि है आपका 2 फिट 6 इंचेस का, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। सो ये आपका किचन है, तो किचन का मैं यहाँ पे डोर ना देता, इसको मैं किचन को यहाँ पे ओपन कर दूंगा, और यहाँ पे जो ओपनिंग है 1 फिट की यहाँ पे मैं और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग आपकी 4 फिट की हो गई है।
फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्टेयर लेयर से ही हम यहाँ पे जो आपका किचन का प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 1 फीट 6 इंच का। कुछ इस तरह से फिर यहाँ पे इसको हम स्टेयर्स में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे आपका एक क्रिएट हो गया। फिर जो आपका डोर यहाँ पे बचा है और जो विंडोज बचे हैं उसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो विंडोज प्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एक विंडो लेयर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने डोर की बनाई थी यहाँ पे मैं विंडो पे गया और यहाँ पे जो विंडो का मैं कलर लेके चलता हूँ यहाँ पे समथिंग कुछ इस तरह से ब्राउन में डार्क ब्राउन लेके चलते हैं। फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर हमें यहाँ पे जो मैंने विंडो बनाई है इस विंडो का मैं हैच यहाँ पे पहले डिलीट कर देता हूँ। फिर हैच डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी विंडो है इस विंडो को मैं विंडो वाले लेयर में ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर क्या करना है मुझे यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दिया। फिर इस विंडो को मैं पूरा पूरा कॉपी करूँगा। ये 2.5 फीट की विंडो है सीओ एंटर कॉपी और मैंने यहाँ पे वेंटिलेशन पे लाके इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ जो मैंने वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है 2 फीट का तो मैं स्ट्रेच कमांड लेके इसको इस तरह से स्ट्रेच करके एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं विंडो का लेयर एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि आपकी जो वॉल है प्रॉपर यहाँ पे आपको समझ में आए प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छा दिखे। तो 4 फीट के भी मैं यहाँ पे विंडो में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो हैच है आपका इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा। फिर जहाँ जहाँ इसको 4 फीट की आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ मैं इसको प्लेस कर दूँगा। 4 फीट है यहाँ पे ओपनिंग आपके 5 फीट है तो यहाँ पे स्ट्रेच लेंगे और स्ट्रेच से इसको हम स्ट्रेच करके सर से बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे अगेन लाइन और यहाँ पे सर से लाइन लेके कॉपी कमांड लेके इस तरह भी इसको ऊपर से नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। फिर बाकी जहाँ जहाँ विंडो आपकी प्लेस करनी है वहाँ वहाँ विंडो प्लेस कर देते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे 4 फीट की विंडो को मैंने कॉपी लिया सीओ एंटर करके और यहाँ पे मुझे प्लेस करना है प्लेस किया। अभी इसको हम कर देंगे रोटेट आरओ एंटर से इस तरह से मैंने इसको रोटेट करा दिया। फिर हम इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे इसको कॉपी और मूव कर देते हैं क्योंकि फिर डिलीट करना पड़ेगा। मूव किया मैंने। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका डोर है डोर नहीं प्लेस है तो हम यहाँ पे 2.5 फीट का डोर उठाते हैं और इसको मैंने कॉपी सीओ एंटर करके इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कॉपी कर दिया। फिर हम इसको कर देंगे रोटेट ये मिरर करा देते हैं MI एंटर से और इसको रिसोर्स ऑब्जेक्ट यस। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर देंगे मूव M एंटर और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको मूव करा दिया कम्प्लीटली। थोड़ा गलत मूव हो गया तो इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और इसको हमें एडजस्ट कर दिए M एंटर और ये चीज़ हमने यहाँ पे मूव करा दी। ओके सो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से डोर विंडो आपका प्लेस हो गया कम्प्लीट। फिर हम यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करते हैं अभी स्लैब यानी कि जो हम यहाँ पे ऊपर स्लैब डालेंगे उसका प्रोजेक्शन मुझे नीचे दिखाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पे लाइन वेट हम ले लेंगे 0.20 और यहाँ पे जो लाइन टाइप है इसको हम लोड करा के अब यहाँ पे ISO डैश यहाँ पे लाइन हम इस तरह से सेट कर देंगे इसको एंड इसको सेलेक्ट करके ओके। सो यहाँ पे मैंने स्लैब लेयर क्रिएट कर दी। तो स्लैब जो हमारी यहाँ पे इस तरह से रहेगी हम यहाँ पे कुछ आगे की तरफ प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन रहेगा हम यहाँ पे 2 फीट का क्रिएट करते हैं और इस तरह से और साइड में हम यहाँ पे 2 फीट का इधर और इधर में यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लेके चलते हैं इसको 3 फीट। तो 3 फीट यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे इस तरह से क्रिएट किया ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से ट्रैक करके और यहाँ पे मैंने इसका स्लैब का प्रोजेक्शन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप तो अपना जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे आपका वॉल विंडो और डोर क्रिएट कर लिया। फिर यहाँ पे हम बाउंड्री यानी कि बाउंड्री की एक लाइन लेयर क्रिएट कर लेते हैं और कुछ इसको यहाँ पे पिंक डार्क पिंक कलर दे देते हैं और यहाँ पे लाइन टाइप सॉलिड करके लाइन वेट हम यहाँ पे 0.30 हो गए यानी कि जो आपकी वॉल है ये तो आपकी 10 फिट की है बट जो बाउंड्री वॉल है उसको यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि जो बाउंड्री वॉल है यहाँ पे हाइट इसकी यानी कि 7 फिट हम रख के चलेंगे। तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे आपका प्रॉपरली विजिबल हो। ब्रेकेट पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि आपकी सिंगल लाइन है अगेन ब्रेकेट पॉइंट इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ से जिससे कि मेरी लाइन अलग हो जाए जिसको हम एक बार सेलेक्ट करके उसको हम अपने लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके ऑलरेडी ब्रोकन है उसको मैंने सेलेक्ट किया और हम क्या कर देंगे इसको बाउंड्री लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो कन्वर्ट हो गया सेम यही इसी कंडीशन आप यहाँ पे सामने वाली वॉल पे भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक करने के बाद इसको हम क्या करेंगे पूरे पूरे लेयर को
बाउंड्री में कन्वर्ट, सेम इस तरह इस तरफ कर लेते हैं इसको भी। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको भी कन्वर्ट कर दिया। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 फिट की वॉल कौन सी है और यहाँ पे 7 फिट की वॉल कौन सी है। सो यहाँ पे आपका स्टेयर्स का विंडो यहाँ पे मेरे एक छोड़ दिए, तो यहाँ भी मैं एक विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पहले वॉल लेयर को एक्टिवेट करता हूँ। वॉल लेयर में यहाँ पे पहले स्पेसिंग क्रिएट करेंगे मिड से, कुछ यहाँ पे मिड से मैंने लाइन ड्रॉ की। फिर हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं और ऑफसेट हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइनें मेरी डिलीट हो गई है, तो हम यहाँ पे जल्दी से फिर से उसी लाइन को क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लाइन लिया और यहाँ से इस तरह से मैंने कॉल क्रिएट कर ली। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो तो कि आपका विंडो है, इसी विंडो को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे पहले लाइन क्रिएट कर दो, लाइन नहीं क्रिएट किया मैंने कुछ इस तरह से। फिर हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी बेस पॉइंट और वहाँ पे जहाँ पे आपने विंडो प्लेस किया है यहाँ पे हम इसको फिर से प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखो इस तरह से एक प्लान पूरा पूरा कंप्लीट अभी इस वीडियो में तैयार है।